नमस्कार, मैं मुक्ता श्रीम गौतम। कल हमने एक न्यूज किया था और उसमें पूछा था कि संजय राउत इतने दिन से चुप क्यों हैं, क्या वो डर गए हैं, क्या वो भीगी बिल्ली बन गए हैं जो अपने आप को शेर कहता था मैं नंगा हूं, नंगे से पंगा भारी पड़ेगा। संजय राउत ने शायद उस वीडियो को देखने के बाद में अपनी चुप्पी तोड़ी और अरस्तु का एक जो कथन है उसको शेयर किया कि चुप रहना भी जरूरी है, इस तरीके का उसका भावार्थ था। हालांकि जो कथन है उसको अगर चर्चा की जाए तो उसमें जो संजय राउत ने कहने की कोशिश की है, संजय राउत ने अरस्तु का एक कथन शेयर किया और उसमें जो कहा गया है वो ये है कि आलोचनाओं से बचने के लिए कुछ मत करो, कुछ मत कहो और कुछ मत बोलो। यानी कि अपनी चुप्पी का बचाव करते हुए संजय राउत सामने आए और उसके बाद उन्होंने एक फोटो शेयर किया। उस फोटो में वो शरद पवार के घर पर जाकर उनसे मिलने का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इन दोनों चीजों को आप समझिए कि पहले तो संजय राउत डर के भीगी बिल्ली बनकर चुप हो जाते हैं और अरस्तु का जो कथन है उसको मान लेते हैं कि कुछ मत बोलो, कुछ मत कहो और कुछ मत करो। उसके बाद उन्हें याद आता है कि शरद पवार के शरण में जाने से शायद वो बच सकते हैं। इसी बीच में संजय राउत ने क्या किया अब उसका भी खुलासा सामने आ गया है। दरअसल जिस ईडी के नोटिस को संजय राउत नकार रहे थे, बीजेपी का झूठ बता रहे थे, बीजेपी का जुमला बता रहे थे, उसी ईडी के नोटिस से डर के संजय राउत और उनकी पत्नी वर्षा राउत ने जो 55 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री लेने का दावा किया था प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी राउत से, उसको चुकाने के कागजात अब उन्होंने ईडी के सामने सौंपे हैं और ये कहा है कि 10 साल पहले उन्होंने जो लोन लिया था, अब ये लोन किस लिए था, अब ये इसको जवाब आगे जो ईडी से पूछताछ होगी उसमें देना पड़ेगा। क्योंकि 8 घंटे तक ईडी ने जिस तरीके से पूछताछ की उसके बाद संजय राउत को ये पता चल गया था कि इस पूरे मामले में इतनी आसानी से वो बच नहीं सकते हैं। उनके कुछ वकील मित्रों ने या शरद पवार टाइप के लोगों ने उन्हें सलाह दी कि अगर वो उस पैसे को वापस कर दें तो शायद कुछ उन पर नरमी हो जाए ईडी की तरफ से। हालांकि ईडी ने कहा है कि 55 लाख रुपए जो वापस करने के कागजात दिए गए हैं हम इनको देख रहे हैं और उसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल में सारी चीज़ों को देखा जाएगा और उसके बाद जरूरी हुआ तो संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से फिर से पूछताछ होगी। अब यहां दो चीजें बनती हैं कि अगर एक व्यक्ति ने चोरी का माल खरीदा है और चोरी का माल खरीदने के बाद जब चोरी की जांच होती है और जब उसे लगता है कि उसे भी जेल जाने की नौबत आ सकती है, क्या वो उस चोरी के माल को वापस करके उस चोरी के अपराध से या चोरों की सहयोग करने या चोरी का माल खरीदने का जो अपराध है उससे बच सकता है, नहीं बच सकता। नैतिकता की बात की जाए तो यह सीधे तौर पर मोरल टर्पिट्यूड का मामला है, नैतिक दुराचरण का मामला है और संजय राउत तमाम तरीके के प्रपंच करके भी अब इससे बचने वाले नहीं है। पीएमसी बैंक घोटाले में जिस तरीके से 4,500 करोड़ रुपए का पूरा घोटाला था और उसमें से 100 करोड़ रुपए करीब 95 करोड़ रुपए की चपत लगाई थी अकेले प्रवीण राउत ने और उसी प्रवीण राउत ने 1,66,00,000 रुपए अपनी पत्नी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए थे, जिसमें से 67,00,000 रुपए की किस्त सीधे तौर पर संजय राउत को उनकी पत्नी के अकाउंट में मिल गई थी, जिसको लेकर अभी ईडी जाँच कर रही है। इसी जांच से बचने के लिए, इसी जवाबदेही से बचने के लिए संजय राउत ने इतना बड़ा खेल खेला। अब लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि जो संजय राउत ये कह रहे थे कि वो मिडिल क्लास व्यक्ति है और उनकी पत्नी ने अपनी मित्र से 55 लाख रुपए उधार लिए, वो भी बिना ब्याज के घर बनाने के लिए, उसी मिडिल क्लास व्यक्ति के पास 10 दिन में 55 लाख रुपए कैसे आ गए, कहां से आ गए, ये बड़ा जांच का विषय बना हुआ है। क्योंकि इस तरीके से जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके लिए 55,000 रुपए का इंतजाम करना भी भारी मुश्किलों का एक सबब बन जाता है, लेकिन संजय राउत इतनी आसानी से 10 दिन के भीतर 55 लाख रुपए का इंतजाम कर लेते हैं। और इसमें जो सफाई उन्होंने दी है वो कहा है कि उन्होंने जो फिल्म बनाई थी ठाकरे उसमें कमाई हुई थी और चूंकि उनकी पत्नी वर्षा राउत उसमें को प्रोड्यूसर थी इसलिए ये रकम उन्होंने उस कमाई से जमा की है। अब ईडी इस एंगल को भी खंगालेगा और ये देखेगा कि क्या वास्तव में ये जो 55 लाख रुपए जमा किए गए हैं, रीपे किए गए हैं, इसमें कहा गया है कि इंटरेस्ट भी दिया गया है, हालांकि पहले यह कहा गया था कि यह इंटरेस्ट फ्री है, तो उस स्थिति में ईडी को यह देखना पड़ेगा कि क्या ये जो 55 लाख रुपए हैं ये किसी जायज सोर्स से आए हैं, वैलिड सोर्स से आए हैं, या फिर इनमें भी कहीं ना कहीं कोई घपला है, कोई चोचला है।
निश्चित तौर पर संजय राउत की सारी अक्ल अब ईडी के सामने फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। उनके सारे जो खोखले बयान थे वो तो बंद हो ही गए। पिछले 8 दिनों से वो ट्विटर पर भी नहीं आए। उन्हें लग रहा था कि अगर वो ट्विटर पर ज़्यादा बोलेंगे तो लोग उनकी ज़्यादा खिंचाई करेंगे और इसीलिए वो पैसों का इंतजाम करने में और उपाय सोचने में लगे रहे। उसके बाद वो सीधे पहुँचते हैं शरद पवार की शरण में। सर्वदम शरणम गच्छामि वाला उन्होंने सिद्धांत अपनाया हुआ है। उन्हें लगता है कि जैसे सर्वदम शरणम गच्छामि की वजह से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए और उनकी भी एक तरीके से तूती बोलने लगी, अब शायद शरद पवार की कृपा से वो इस पूरे मामले से बच जाएंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अरस्तु के कथन का जिक्र करके शरद पवार के ये नए चेले संजय राउत ये सोचते हैं कि अगर वो कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे और कुछ नहीं सुनेंगे तो निश्चित तौर पर बच जाएंगे। ऐसा होने वाला नहीं है। ईडी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अभी भी इस मामले में बरसा राउत की जो इन्वॉल्वमेंट है, जो उनकी संलिप्तता है, उसको लेकर तमाम चीज़ों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। 1,66,00,000 रुपए जो प्रवीण राउत ने रखे थे अलग से माधुरी राउत के अकाउंट में, उनमें से बाकी पैसे किस तरीके से पहुंचे हैं, किस किस के पास, इसको जानना भी ईडी के लिए जरूरी है। इस पूरे मामले में 52 बंधुओं बाप बेटों के ऊपर कार्रवाई हुई। उनकी तमाम जो संपत्तियाँ थी उनको जब्त किया गया। प्रवीण राउत की 72 करोड़ की संपत्तियों को जब्त किया गया और उसके अलावा प्रवीण राउत ने जहां जहां लेन देन किए वहां भी ईडी खंगाल रहा है। उसके साथ साथ शिवसेना के एक पूर्व सांसद के खिलाफ भी ईडी की बड़ी तगड़ी जांच चल रही है। उस व्यक्ति के भी अब नाम खुलकर सामने आने वाला है, उसके जेल जाने का भी समय आ गया है। यही वजह है कि संजय राउत की एकदम से बोलती बंद है, वो मिमिया रहे हैं, वो बकरी की तरह मैं भी करने में बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। उन्हें यह लगता है कि अगर वो कुछ भी बोलेंगे तो वो सब उनके खिलाफ ही जाएगा, क्योंकि इससे अब उनका कुछ लाभ होने वाला नहीं है। और जिस तरीके से मजबूर होकर ईडी के सामने संजय राउत की पत्नी और संजय राउत को पैसे वापस करने पड़े हैं, उससे तो लगता है कि निश्चित तौर पर इस मामले में संजय राउत बहुत ज्यादा भीतर तक घुसे हुए हैं और वो आसानी से इससे बच भी नहीं पाएंगे। क्योंकि ये जो पूरा मामला था पीएमसी का, ये बहुत बड़ा क्वांटम था इसका, और अकेले प्रवीण राउत के हिस्से में जब इतने पैसे आए या उसको इतना पैसा गवर्न करने का मौका मिल गया, निश्चित तौर पर इसके पीछे कई बड़े रसूखदार महाराष्ट्र के नेताओं का हाथ था। उन्हीं में से कई नेताओं के नाम आ रहे हैं ईडी के सामने। एकनाथ खड़से जो एनसीपी में इस समय है, उनके खिलाफ भी जाँच शुरू हो चुकी है। उनकी बेटी, एकनाथ खड़से की बेटी शारदा खड़से को भी ईडी ने जाँच के लिए बुलाया है। दूसरी तरफ जो 2-3 अन्य और नेता हैं, बड़े बड़े हैवीवेट जो नेता हैं महाराष्ट्र के, उन सभी तक ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि संजय राउत और शरद पवार जो कहने की कोशिश कर रहे थे कि महाविकास अघाड़ी को गिराने के लिए ये सब हो रहा है, वैसे अभी संजय राउत ने एक और बयान दिया और उन्होंने कहा कि देखिए ये जांच अपना कानून अपना काम कर रहा है और इस सबसे महाविकास अघाड़ी की सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि संजय राउत की पत्नी के खिलाफ जब ईडी सम्मन होता है या किसी अन्य नेता के खिलाफ ईडी संबंध होता है तो फिर संजय राउत, शिवसेना या एनसीपी इसको महाविकास अघाड़ी के गिरने से क्यों जोड़ देते हैं, यह बात लोगों को भी अभी समझ नहीं आ रही है। क्या उन्हें लगता है कि महाविकास अघाड़ी के तमाम नेता जो इस सारे मामले में फंसे हुए हैं, उन सबको अगर ईडी जांच के दायरे में ले लेगा और वो जेल जाने की नौबत उनको आ जाएगी तो क्या महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर जाएगी? यही डर शरद पवार से लेकर संजय राउत तक और उद्धव ठाकरे से लेकर अशोक चव्हाण तक सबको लग रहा है। सोनिया से लेकर राहुल तक इसी पेशोपेश में है और यही वजह है कि आज महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में भी ईडी को बेईमान कहने की जरूरत की गई है। निश्चित तौर पर ईडी का खौफ इतना ज्यादा है शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के अंदर महाराष्ट्र में कि वो लोग ईडी के दफ्तर के बाहर ये बैनर लगाते हैं कि ये बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है, और इस तरीके की बातें करते करते वो उस किरीट सोमैया को भी ईडी का प्रवक्ता घोषित कर देते हैं जिन्होंने इन सारे मामलों में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और इन सभी मामलों को जनता के सामने लेकर आए हैं। हालांकि संजय राउत तो उनका नाम भी भूल गए, संजय राउत कहते हैं मैं जानता नहीं, लेकिन अब जिस तरीके से संजय राउत अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, पैसा चुकाकर वो सोच रहे हैं कि उन्होंने या उनकी पत्नी ने प्रवीण राउत के मार्फत जो पैसा लिया है, वो जो गुनाह था, जो अपराध था, उस अपराध के दंड से वो बच जाएंगे, निश्चित तौर पर वो भ्रम में है। अभी 12 लाख रुपए का हिसाब और देना है और उसके अलावा जो
बातें खुली नहीं है, जो ट्रांजैक्शन अभी खुलकर सामने नहीं आए हैं उनको लेकर भी संजय राउत, वर्षा राउत को जवाब देने पड़ेंगे। निश्चित तौर पर ये जो एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक ईडी ने खेला था, उसकी हालांकि संजय राउत ने उसे नकारने की कोशिश की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गृहमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक धमकियाँ दी थी, पूरी भाजपा को धमकी दे दी थी, लेकिन ईडी ने अपना काम किया और संजय राउत नाम का ये खास नेता, खासदार, आमदार, जो भी आप इसे कहें, शिवसेना का ये खासम खास चमचा कह सकते हैं या शकुनी कह सकते हैं, अब पूरी तरीके से घुटनों पर आ चुका है और गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है। जय हिंद, जय भारत।